नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ भृंगराज। आपने सुना होगा भृंगराज, ये देखिए इसको। पहले इसके मैं महत्व बता देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके। इससे ना बाल नहीं झड़ते, और झड़े हुए बाल अगर किसी केमिकल साइड इफेक्ट से गिर गए हैं तो वो उगाते हैं, और बाल लंबे होते हैं, बाल सिल्की होते हैं, बाल काले होते हैं जिनके। अभी देखिए मैं खुद दिखा रहा हूँ आपको ना, ये मेरे बाल सफ़ेद हैं और मेरे सर पे बाल नहीं है। ये साइड में देखिए आप, इधर से और इधर से बाल झड़ चुके हैं मेरे, और मुझे लगता है क्योंकि मेरे जो और कजिन्स हैं और मेरे भाई हैं जो, उनके बाल हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये मेरे किसी साइड इफेक्ट से गिरे हैं, इसलिए मैं अब इसको यूज कर रहा हूँ। ये आपने बाजार में भृंगराज, महाभृंगराज नाम से तेल वगैरह देखे होंगे। मैं इसके फूल सहित ये लेके आया हूँ, पत्ती लगाना है, फूल इसलिए लेके आया हूँ ताकि आपको पहचानने में इसकी दिक्कत ना हो। देखिए ये इसका ये फूल रहता है पीला पीला, इसको आप कहीं भी मिल सकता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, और ये कहीं भी खेतों में बाजार में नहीं मिलेगा, खेतों में या ग्राउंड में आपको कहीं भी मिल जाएगा लगा हुआ। बाजार में आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, इसको मैं एक सेकंड इसको अपन माइक को मैं लगा लेता हूँ कॉलर में ताकि आवाज भी आप तक साफ आए। इसकी पहले पत्तियां ऐसे निकाल लेते हैं, पत्तियों में रस रहता है इसका, तो ऐसे पत्तियां इसकी तोड़ लेते हैं, और जो ये मुलायम मुलायम अगर इसकी टहनी लग रही मुझे तो मैं ये भी तोड़ लूंगा, क्योंकि हो सकता है इसमें भी कुछ रस हो, जितना मुलायम लगेगा उतना तोड़ूंगा बस, सूखे में तो रस होगा नहीं। इस तरह से ये पत्तियां मैंने तोड़ी हैं, और चलो इसको एक एक्सपेरिमेंट ही समझ लेते हैं, क्योंकि मेरे बाल नहीं है, मैं लगा रहा हूं, मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा एक महीने 15 दिन 4 महीने बाद। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं अगला वीडियो देखने के लिए कि मेरे बाल उगे आए या नहीं आए, तो डू सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपको अगला अपडेट मिल जाए। इस तरह से मैं इसको ना अच्छे से घुमा घुमा के इसका रस निकाल रहा हूँ, मसील रहा हूँ। बिल्कुल, तो मेरे साथ में जो हेल्प कर रहे हैं मेरे रिकॉर्ड करने के लिए, उन्होंने भी मुझे याद दिलाया कि इसको आप स्टोर भी कर रहे हैं, क्योंकि उनके बाल, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, उनके यहाँ पे बाल झड़ गए थे तो उन्होंने स्टोर करके इसका यूज किया काफी दिनों तक, तो उनके अब तो कहीं भी कोई बाल झड़े हुए नहीं दिख रहे, काफी सिल्की और अच्छे बाल हैं। तो इस तरह से अपन ने इसकी दिखाई थोड़ी और पास से ये बना लिया मैंने, इससे रस निकल रहा है और ये बिल्कुल इसकी लुब्धी टाइप की बन गई। इसका रस भी सर पे गिराऊंगा मैं, और इसको जो सूखा बचेगा उसको भी इसमें लगा लूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं इसको ना, इस तरह से रस दबाने से रस गिर रहा है, टपक रहा है कि बूंदी, ये गिरा, ये गिर ऐसे, और इसको भी साथ में लिए रहते हैं। इस तरह से मैं अभी आगे लगा रहा हूँ, मैं बाद में पूरा लगाता रहूंगा, अभी मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि यू नो यूट्यूब पे 4-5-10 मिनट से ज्यादा वीडियो देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मुझे भी और आपको भी। तो मैं यहाँ पे भी इसको, जहाँ पे मेरे सफेद बाल हुए यहाँ पे भी आज से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और इसको मैं कंटिन्यूअसली लगाने वाला हूँ 2-3-4 महीने। उसके बाद मैं आपको अपडेट करूंगा कि बाल काले से सफेद, सफेद से काले हुए कि नहीं हुए। और ये मेरे ये स्पॉट है जहाँ से बाल झड़ गए हैं, तो ये ठीक हुआ कि नहीं हुआ। तो बने रहिए साथ में, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।